दोस्तों, काफी लोग कनाडा में काम करना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि हमें जो काम मिलेगा वो जल्दी से जल्दी मिले, हमें लीमिया प्रोसेस से भी नहीं गुजरना पड़े और हमें जो काम मिले वो फुल टाइम एम्प्लॉय का ही काम मिले। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों, कनाडा में पीआर मिलने के बहुत फायदे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री से भी फास्टर वे में और इजियर वे में कैसे पीआर ले सकते हो कनाडा में। अब दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको कनाडा में पीआर मिलती है तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है, जो आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की हो जाती है, आपको कम ब्याज दरें में लोन्स मिल जाते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं एक डेवलप्ड कंट्री में पीआर लेने के। किसी भी कंट्री में अगर आपको पीआर मिल जाती है तो आपको नागरिकों वाले सारे हक मिल जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ होटल जॉब्स और सुपरमार्केट जॉब्स के बारे में भी बताऊंगा। एंड दोस्तों, कनाडा में अभी सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो होटल्स और सुपरमार्केट्स में है, तो मैं आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्रूज लाइंस और सुपरमार्केट्स एंड मिनी मार्ट्स के जो भी जॉब्स निकले हुए उसके बारे में फुल जानकारी बताने वाला हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आप अपनी अप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। अब दोस्तों, एक बात हम ये भी समझते हैं कि आपको अपनी कंट्री के अपेक्षा कनाडा में ही जॉब क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है कि आपकी कमाई बहुत अच्छी होती है। आप छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आप 3000 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा कमा लेते हो, मतलब 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा हर महीने कमा सकते हो। अब आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आप छोटा काम कोई इंडिया में कर रहे हो तो आप कितनी कमाई कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में एक मैनेजर का रोल कर रहे हो, तो एक होटल मैनेजर किसी लोकल रेस्टोरेंट में 15,000 से 20,000 कमाता है। कुछ कुछ ऐसे भी है जो सिर्फ 10-12,000 ही कमा पाते हैं। अगर आप होटल मैनेजर हो किसी 5-स्टार होटल में तो आपकी कमाई कितनी होगी, आपकी होगी 30,000-35,000, उससे ज़्यादा नहीं होती है। अब यही सेम सिनेरियो हम समझते हैं कनाडा में। अब अगर आपको कनाडा में होटल मैनेजर का जॉब मिलता है, अब मान लीजिए एक छोटे रेस्टोरेंट में मिलता है, तो आपकी जो कमाई है वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में होती है। अब अगर आपको जो जॉब है वो 3-स्टार, 4-स्टार या 5-स्टार प्रॉपर्टी में मिलता है तो आपकी कमाई 2.5 लाख से 5 लाख रुपए महीना होती है, कभी कभार उससे भी ज़्यादा हो जाती है। आपकी कितनी कमाई है उसका सबसे बड़ा फैक्टर रहता है आपका अनुभव। आपको कितना अनुभव है उसके हिसाब से आपकी कमाई तय होती है। अब मान लीजिए अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी कमाई लोएस्ट लेवल पे होगी, मतलब 1.5 से 2.5 लाख के बीच में। अब अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, आपको 5 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है, तो आपकी कमाई 3 से 5 लाख के बीच में होगी। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो और आपको कितने साल का अनुभव है और आपका कितना अनुभव काउंट भी किया जाता है। कनाडा में काम करने के और भी कुछ फायदे हैं। जैसे कनाडा में चलता है सुपर वीज़ा। सुपर वीज़ा के थ्रू आप अपने संपूर्ण परिवार को बुला सकते हो। आप अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो। एंड दोस्तों, आपको जब कनाडा में पहला काम मिल जाता है उसके बाद आपको अपना वर्क परमिट रिन्यू कराना भी बहुत आसान हो जाता है और दूसरा काम लेना भी आसान हो जाता है। तो मान लीजिए आपको कोई काम मिलता है तो आप काम स्विच भी कर सकते हो, आप साथ में पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो। जनरली उस कंपनी में ही आपको ओवरटाइम मिल जाएगा और ओवरटाइम का आपको अलग पेमेंट मिलता है। एंड दोस्तों, कनाडा अगले 3 साल में 13 लाख लोगों को पीआर दे रहा है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, तो आप भी अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लुफ्त उठाना चाहते हो तो आज से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको रेगुलरली 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। आप अगर कंसिस्टेंटली ऐसा कुछ महीने कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रोसेस बता देता हूँ जिन प्रोसेस के थ्रू आपको कनाडा में जॉब मिल सकता है। सबसे पहले ये द मोस्ट ट्रेडिशनल वे, लीमिया। लीमिया मतलब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। लीमिया प्रोसेस कैनेडियन सरकार ने फॉरेन वर्कर्स के लिए बनाई है। जब भी आप कोई दूसरी कंट्री से कनाडा के लिए ट्राई करते हो तो आपको लीमिया प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लीमिया प्रोसेस में 2 से 4 महीने लगते हैं आपका वर्क परमिट बनने में। अब दूसरी प्रोसेस आती है जिसमें बहुत सारे लोगों के जॉब लग रहे हैं, वो है IMP प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका 2 हफ्ते से 5 हफ्ते में ही वर्क परमिट मिल सकता है। फास्टेस्ट आपका 2 हफ्ते में ही वर्क परमिट बन जाता है। इसके बाद एक प्रोसेस रहती है टेम्पररी फेडरल वर्कर प्रोग्राम। इसमें हर प्रकार के टेम्पररी वर्क्स आ जाते हैं,
जैसे फार्म वर्कर, गार्डनर्स, कुछ ट्रक ड्राइविंग के भी काम रहते हैं जो सिर्फ साल में 6 महीने के रहते हैं। अगर आपको ट्रैक्टर चलाने आता है तो वो भी काम अवेलेबल है। कुछ एचआरएस के भी काम रहते हैं जो सीजनल वर्क्स है। अब ये जो सीजनल वर्क है इसमें आपको 6 महीने से 9 महीने तक का वर्क परमिट मिल सकता है। हर साल आपको इतने टाइम तक काम करना रहेगा, फिर आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा आप स्टूडेंट वीजा पे भी जा सकते हो, आप कोई भी कोर्स कर सकते हो कनाडा में, तो आपको कनाडा में रहने को भी मिल जाता है। कनाडा की आपकी एक छोटी एजुकेशन भी हो जाती है और साथ में उसी एजुकेशन के बेसिस में आपको काम भी आसानी से मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कनाडा में टूरिस्ट वीजा में आते हैं और वर्क परमिट ले लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, अगर आप कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा के लिए आते हो तो आप 1 से 2 महीने का तो कम से कम टाइमिंग रखिए ही, क्योंकि कनाडा में जॉब मिलने में टाइम लगता है, इट्स नॉट ए वन डे प्रोसेस। और ये मैं आपको जॉब मिलने का टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद वर्क परमिट की प्रोसेस अलग रहती है। तो काफ़ी सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपको कनाडा में जॉब मिल जाता है टूरिस्ट वीज़ा में, फिर आप वर्क परमिट इनिशिएट करते हो। वर्क परमिट को मान लीजिए अगर लीमिया प्रोसेस के थ्रू होता है तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है 2 से 4 महीने। तो काफ़ी लोग जॉब लेने के बाद अपनी कंट्री वापस आ जाते हैं, फिर जब वर्क परमिट कंफर्म हो जाता है उसके बाद वो कनाडा में आके काम करना चालू कर देते। अब दोस्तों कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर जो है वो 3 से 5 लाख रुपये महीना कमाता है, ये बहुत ही अच्छा अमाउंट रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने हिसाब से काम करना है, तो आप डिलीवरी बॉय बन सकते हो, वैन ड्राइवर बन सकते हो, कैब ड्राइवर बन सकते हो या ट्रक ड्राइवर बन सकते हो। इसमें आप अपने हिसाब से शेड्यूल तय कर सकते हो। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि आपको कनाडा से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजास और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अब दोस्तों कनाडा में आपके कुछ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम भी चलते हैं, ये दोनों प्रकार के काम के लिए रहते हैं, प्रोफेशनल जॉब्स के लिए भी रहते हैं और नॉन प्रोफेशनल जॉब्स के लिए भी रहते हैं। तो अगर आपको कोई टारगेटेड प्रोविंस में काम मिल जाता है तो हो सकता है आपको पीएनपी भी मिल जाए। एंड दोस्तों प्रोविंशियल नॉमिनेशन से आपको इमीडिएट पीआर भी मिल जाती है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो पीआर की प्रक्रिया है उसमें मिनिमम 6 महीने लगते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई भी प्रोविंस में काम मिलता है तो आप अपना काम चालू कर सकते हो, काम करते करते ही आप पीएनपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आपका जो पीआर है वो कन्फर्म हो जाता है उसके बाद आपको 1 से 2 साल उस प्रोविंस में काम करना आवश्यक रहता है, उसके बाद आप कहीं भी काम कर सकते हो। अब दोस्तों जिन लोगों को ये नहीं पता है कि प्रोविंस क्या होते हैं, तो जैसे इंडिया में स्टेट्स रहते हैं वैसे ही कनाडा में प्रोविंसेस रहते हैं और हर एक प्रोविंस का एक अलग ही नॉमिनेशन प्रोग्राम रहता है। ये जो पीएनपी प्रोग्राम्स है ये आपको परमानेंट रेसिडेंसी लेने में मदद करते हैं। अब दोस्तों एक प्रोग्राम और ज़्यादा बूम पे चल रहा है, इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो आने ही वाला है, जिसको बोलते हैं AIPP, मतलब एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो गाइस जो पायलट प्रोग्राम्स रहते हैं वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन से ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम रहते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं इसकी पीआर की प्रोसेसिंग। अब मान लीजिए आपको कोई पीएनपी प्रोग्राम के थ्रू अगर आप पीआर अप्लाई करते हो तो हो सकता है 6 महीने से 18 महीने के बीच का टाइम लग जाए, लेकिन जब आप AIPP प्रोग्राम्स की बात करते हो तो आपका जो पूरा प्रोसेसिंग का टाइमिंग है वो 4 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में हो जाता है। जनरली अगर हम बात करें तो लोगों का 6 महीने में AIPP प्रोग्राम के थ्रू पीआर मिल जाता है। और ये जो पायलट प्रोग्राम रहता है ये एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रहती है, पीएनपी प्रोग्राम से ज़्यादा बेहतर रहती है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप एटलांटिक प्रोविंसेस को भी ध्यान में रखिए। मैं आपको हर एक प्रोग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो लिंक के थ्रू देख सकते हो कि क्या क्या प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल है और आप उनके बारे में खुद ही रिसर्च भी कर सकते हो। सो दोस्तों अब हम सबसे पहले होटल जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि होटल में किस प्रकार की वैकेंसीज निकली हुई है और कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों कनाडा में हयात रेजेंसी, रोजवुड होटल्स, फेयरमाउंट होटल्स, मैरियट इंटरनेशनल, किंगफिशर होटल साइड रिसॉर्ट्स एंड स्पा, हॉस्को ग्रुप्स, कनाडास बेस्ट वैल्यू इन, पिनेकल इंटरनेशनल होटल्स, फोर सीजन होटल्स, इसके अलावा भी डिफरेंट वैकेंसीज है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों जो मैंने आपको कुछ होटल्स बताए यहाँ पे आपको कैसी वैकेंसीज मिल सकती है,
ज़्यादातर जॉब जो है वो आपको मिलेंगे हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट या फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, इनमें सबसे ज़्यादा जॉब्स रहते हैं। इसके अलावा आपको फ्रंट ऑफिस वर्क मिल सकता है, जैसे रिसेप्शनिस्ट, बारटेंडर्स के भी काम रहते हैं, आपको कॉमी शेफ के भी काम मिल सकता है, आपको शेफ दे पार्टी का काम मिल सकता है, या आपको हाउसकीपिंग सुपरवाइजर या टीम लीड का भी काम मिल सकता है। कुछ और डिफरेंट काम भी रहते हैं, जैसे स्टीवर्ड्स, पॉर्टर, इवेंट मैनेजमेंट, या आपको सीसीटीवी ऑपरेटर का काम मिल सकता है, डोर सुपरवाइजर का काम रहता है, इनके खुद के पर्सनल ड्राइवर्स भी रहते हैं, इनका एक दो डिलीवरी बॉयज भी रहते हैं, तो इस टाइप के आपको काम मिल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ सुपरमार्केट जॉब्स के बारे में, आपको कैसे सुपरमार्केट जॉब्स मिल सकते हैं। सो दोस्तों वॉलमार्ट में बहुत वैकेंसीज है, तो आप वॉलमार्ट में ट्राई कर सकते हो, 88 सुपरमार्केट्स में है, लेकफील्ड, फूडलैंड, टाउनसाइड होटल्स लिमिटेड, नो फ्रिल्स, रिमार्क फ्रेश मार्केट्स, चेरी पिट्स INC, बाय लो फूड्स, नेफ्स ग्रोसरी, कैक्टस एक्सोटिक फूड्स, TNT सुपरमार्केट्स, ग्रीन फ्रेश सुपरमार्केट्स, यमी मार्केट्स INC, मेटल सुपरमार्केट्स, गैलेलिया सुपरमार्केट, ऑर्गेनिक गराज, इस टाइप से बहुत सारे डिफरेंट मार्ट्स है और सुपरमार्केट्स है। यहाँ पे अगर आप ट्राई करते हो तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे आपको किस टाइप के काम मिल सकते हैं, आपको कैशियर का काम मिल सकता है, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट क्लर्क, स्टैकर, इनके वेयर हाउसेज भी रहते हैं तो वहाँ पे आपको पिकर एंड पैकर का भी काम मिल सकता है, फूड काउंटर अटेंडेंट रहते हैं, मीट प्रोसेसिंग वर्क्स रहते हैं, आप वैन ड्राइवर बन सकते हो, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर बन सकते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड तक बन सकते हो, बहुत सारे कस्टमर सर्विसेज रहते हैं। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको जॉब बैंक का एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। जॉब बैंक एक कनाडा की गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर आप इसके थ्रू अप्लाई करते हो और आप प्रॉपर फिल्टरिंग करते हो तो आपको वैसे जॉब्स मिलते हैं जो आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कनाडा के जॉब बैंक का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब आप सबसे पहले समझिए कि कनाडा के जॉब बैंक में सर्च कैसे करते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको गूगल सर्च में लिखना है कनाडा जॉब बैंक। आप जैसे ही लिखते हो आपको पहली जो लिंक मिलती है जॉब बैंक, इसकी जो लिंक है वो है jobbank.gc.ca। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपने क्लिक किया ये आपको पोर्टल मिल गया। अब इस पोर्टल में आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ स्टोर मैनेजर का, ये आपने लिखा और आपने एंटर किया। जैसे ही आपने स्टोर मैनेजर लिखा और आपने एंटर किया तो आपको डिफरेंट जॉब वैकेंसीज बता रहा है। आप ये देख सकते हो कैनबिस डिस्पेंसरी, रोना INC, बल्क बान, इस टाइप के आपको दिख रहे हैं। लेकिन ये आपको वैसे जॉब दिख रहे हैं जो आप कनाडा से अप्लाई कर सकते हो बट इंडिया से नहीं कर सकते। अब आपको प्रॉपर फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। सो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एडवांस में जाओगे। आपने क्लिक किया एडवांस में, जैसे ही आपने एडवांस में क्लिक किया आपको सारी डिटेल्स दिख रही है कि टोटल कितने रिजल्ट है, 2067 रिजल्ट है स्टोर मैनेजर के। अब यहाँ पे आप चाहो तो प्रोविंसेस या टेरिटरीज के बेसिस पे भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे आप गए सबसे नीचे और आपको ये दिख रहा है इंटेंडेड एप्लीकेंट्स। अब इसमें जब आप क्लिक करते हो कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, जैसे ही आप इसमें क्लिक किए अब आपको वैसे जॉब के रिजल्ट्स दिखा रहा है। कितने रिजल्ट है, 260 रिजल्ट है। अब ये जो रिजल्ट है ये वो जॉब के रिजल्ट है जो आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास कोई अनुभव नहीं है, अगर आपके पास अनुभव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो आप क्लिक करोगे नो एक्सपीरियंस। आपने ये क्लिक किया अब आपको 20 रिजल्ट्स दिखा रहा है। आपने व्यू पे क्लिक किया, जैसे ही आपने व्यू में क्लिक किया अब ये जो जॉब वैकेंसीज है ये आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो। आप अगर इंडिया, बहरेन, दुबई, कतार कहीं से भी हो आप अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले तो आप ये देख लीजिए नेफ्स ग्रोसरी, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कहाँ का है, टोरंटो ओंटारियो। सैलरी कितनी है, 40 कैनेडियन डॉलर्स, ये बहुत ही अच्छी सैलरी रहती है। अब स्टोर मैनेजर रिटेल, न्यू लीफ प्रोड्यूस मार्केट INC, इसका भी आप देख सकते हो सैलरी अच्छी है, 35 कैनेडियन डॉलर पर आवर। इस टाइप से ही आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, जैसे ये है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर गेटवे लिक्वायर स्टोर। अब मैं आपको सबसे पहले ही एग्जाम्पल बताता हूँ नेफ्स ग्रोसरी। अब जैसे ही मैंने नेफ्स ग्रोसरी पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्टल में कि एक वैकेंसी है,
स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल, मतलब ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट का जॉब है, ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का जॉब है और फुल टाइम है, इसमें फ्लेक्सिबल आवर्स रहते हैं। ये आप जॉब बैंक आईडी देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है लैंग्वेज कौन सी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आपका सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब टेंथ पास या उसका इक्विवेलेंट, आपको जो एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास अनुभव है तो वो एसेट है, अगर नहीं है तो भी आपके जॉब मिलता है। जो स्टोर मैनेजर का काम है उसमें आपको 5 से 10 लोगों को सुपरवाइज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट है, अंडर प्रेशर आपको काम करना पड़ सकता है, अटेंशन टू डिटेल्स। अब यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हो, मैनेज स्टाफ एंड असाइन ड्यूटीज, इम्प्लीमेंट प्राइस एंड क्रेडिट पॉलिसीज, लोकेट सेलेक्ट एंड प्रोक्योर मर्चेंडाइज फॉर रीसेल। इस टाइप से आपको डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रहे हैं, जैसे एक है रिक्रूट हायर एंड सुपरवाइज स्टाफ और वॉलेंटियर्स। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, यह है गेटवे लिक्वायर स्टोर का। ये जो जॉब है ब्रिटिश कोलंबिया का जॉब है सरी में, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वैकेंसी है, स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल, मतलब ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट का काम है, परमानेंट जॉब है, फुल टाइम है। यहाँ पे आपको 5 से 10 लोगों को सुपरवाइज करना रहेगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका चेक होता है, तो पुलिस पीसीसी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इफ यू आर ए कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कैनेडा और यू हैव ए वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। तो मान लीजिए अगर आपको जॉब मिलता है इसमें, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करेगा, तो आपको वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लैंग्वेज है इंग्लिश, सेकेंडरी हायर एजुकेशन चाहिए, मतलब 10th पास, एक्सपीरियंस होगा तो एसेट रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ट्रक ड्राइवर का। अब जैसे आपने देखा मैंने ट्रक ड्राइवर लिखा और एंटर दबाया, तो ये आपको डिफरेंट वैकेंसीज दिख रही है। अब आपको फिर से जाना है एडवांस में। अब आप जैसे ही एडवांस में गए तो आपको डिफरेंट जॉब टाइटल्स दिख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, डिलीवरी ट्रक ड्राइवर्स, गार्बेज ट्रक ड्राइवर, इस टाइप से आपको डिफरेंट ट्रक ड्राइवर्स के जॉब मिल रहे हैं। ये प्रोविंसेस के नाम है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोविंस में जॉब चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर प्रोविंस का टिक कर सकते हो। आपने एकदम स्क्रोल डाउन किया तो आप ये देख सकते हो कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो आपको वैसे जॉब मिलते हैं जो आप अपनी कंट्री से ही अप्लाई कर पाते हो। अब मैंने स्क्रोल अप किया और व्यू 2788 रिजल्ट्स पे क्लिक किया। ओके, अब आपको जो जॉब दिख रहा है ये वैसे जॉब है जो आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। आप ये देख सकते हो ट्रक ड्राइवर के जॉब में कितनी अच्छी सैलरी होती है, आपको 1000 कैनेडियन डॉलर हर हफ्ते मिलता है, मतलब आप हर हफ्ते 70,000 के आसपास कमा रहे हो, मतलब महीने का कितना हुआ 2,80,000। और ये नॉर्मल टाइमिंग है, इसमें आप ओवरटाइम करते हो तो आपका 3,00,000 या उससे ज्यादा कमाई हो ही जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल इसी का बता देता हूँ, हंस हैम्बर्ग ट्रकिंग INC। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 वैकेंसी है, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, और ये जो जॉब आपको दिख रहा है ये जिप रिक्रूटर के थ्रू जॉब है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जिप रिक्रूटर की वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, रॉबर्टसन बल्क सेल्स, इसमें आपको देख सकते हो 23 कैनेडियन डॉलर पर आवर मिलेगा। ये कैलगरी का जॉब है अल्बर्टा में, यहाँ पे 1 वैकेंसी है और स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल। अब दोस्तों मैं आपको एक होटल लाइन का जॉब बता रहा हूँ, फूड एंड बेवरेज सर्वर्स या फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट। तो आप ये देख सकते हो आपको कितने जॉब दिख रहे हैं, 1586। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको वेजेस कितनी मिलेगी, 17 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर, 13.5 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर, यहाँ पे आप देख सकते हो 15 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर, 16.5 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लिटिल डोंकी फूड एंड ड्रिंक लिमिटेड। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वैकेंसी है और स्टार्ट्स एज सून एज पॉसिबल। ये 40 आवर्स पर वीक का काम है, ये परमानेंट काम है, फुल टाइम है। ये आप जॉब बैंक की आईडी देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस जॉब प्रोफाइल का नॉक कोड भी दिखता है, NOC 6513। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस इज एन एसेट, अगर अनुभव है तो अच्छी बात है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क सेटिंग क्या है, ये एक रेस्टोरेंट जॉब है, यहाँ पे आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और आपकी जो एजुकेशन है
वो सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10th पास एंड अबव। ये जो इन्वायरमेंट है फास्ट पेस इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आप कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट हो या फिर आपके पास एक प्रॉपर कैनेडियन वर्क परमिट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर जॉब मिलता है तो आपको वर्क परमिट इनिशिएट करने का काम आपके एम्प्लॉयर कर रहता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे शो हाउ टू अप्लाई और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा तो आप डिफरेंट होटल्स एंड सुपरमार्केट्स में इस टाइप के जॉब ढूंढ सकते हो। जॉब बैंक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपको एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक इंटरनेशनल CVN कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है आपके चांस नहीं बनता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। कैनेडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी कंट्री से लोग अप्लाई करते हैं। सभी लोगों को पता है कि कैनेडा एक डेवलप कंट्री है और यहाँ पर अगर आपको काम मिल जाता है तो आपकी कमाई बहुत अच्छी होती है। आपकी कंट्री के मुकाबले आप 5 से 10 गुना ज़्यादा कमाई करते हो, इसी वजह से थोड़ा कंपटीशन भी रहता है। तो आप अगर प्रोफेशनल हेल्प लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CVN कवर लेटर बनवाना है, आप कोई भी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। आप ऐसे भी इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस और रील्स डालते रहता हूँ। अब दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कंसर्न रहता है कि सर आप मुझे बस वैकेंसीज़ के बारे में बता दो, कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स चल रही है, आप कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दिया करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊँ, मेरा बहुत वक्त बच जाए। तो दोस्तों, इस चैनल में मेंबरशिप प्रोग्राम भी है। आप अगर इस चैनल के मेंबर बन जाते हो तो आपको डिफरेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में पता चलता है जो अभी करेंटली हायर कर रही है। कुछ मैं फिल्टर्ड लिंक्स भी डालते रहता हूँ ताकि आपका वक्त और बचे। तो अगर आपको इस चैनल का मेंबर बनना है तो आपको सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन दिख रहा है, आप ज्वाइन पे क्लिक करके आपको जो भी मेंबरशिप प्रोग्राम लेना है आप वो ले सकते हैं। सो दोस्तों, सोच क्या रहे हो, आज ही से अप्लाई करना चालू कीजिए। आप थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप रोज कम से कम 1 घंटा देते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इट विल टेक एफर्ट ऑफ सेवरल मंथ्स, इट्स नॉट ए 1 डे प्रोसेस। तो आप अगर रेगुलरली अप्लाई करते जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल ही जाएगा। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स के जॉब लगते रहते हैं, उन्हीं लोगों के जॉब लगते हैं जो मेहनत करने को तैयार है। लाइफ में आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो आपको उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है, तो आप क्यों ना ऐसी जगह पर मेहनत करो जहाँ पर आपकी कमाई 5 से 10 गुना ज़्यादा हो जाए, आपको बेटर रिस्पेक्ट मिले और आप अपनी फैमिली को भी बेहतर ढंग से सपोर्ट कर पाओ। सो दोस्तों, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपकी कम एजुकेशन है या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कम है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है। जिस कंपनी में ज़्यादा डिमांड रहती है वो फ्रेशर्स को भी हायर करने को तैयार रहती है, वो लेकिन आपको हायर तभी करेंगे जब आप अपनी प्रोफेशनल कंडक्ट बता पाओ। आपकी प्रोफेशनलिज्म सिर्फ एक ही चीज़ से पता चल सकती है, वो है आपका CVN कवर लेटर, क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है, वो आपको आपके CVN कवर लेटर से ही जज करेगा। इसके अलावा आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे भी आप अपनी प्रोफाइल को ठीक से अपडेट कर लीजिए। मान लीजिए आप LinkedIn या Indeed या जॉब बैंक कहीं से भी अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे ठीक से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। सो अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। और अगर आप इस चैनल में नए हो और आप इस वीडियो में अभी लैंड किए हो और आपको कनाडा से रिलेटेड वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको कनाडा से रिलेटेड ही और वीडियोस चाहिए। और आप कमेंट में भी बता सकते हो आपको अगले वीडियोस कौन से चाहिए। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।